देखिए साहब, दिनांक 3 अक्टूबर 2023 के दिन रात को महाराष्ट्र की घटना हुई जो अब तक कोई बताने को तैयार नहीं है। मुंबई पुलिस ने उस घटना को, थाने पुलिस ने उस घटना को दबा के रख दिया है। मेरे बाजू में खड़े हुए हैं, इनका नाम है वसीम सैयद, ये उनके रिश्तेदार दूसरे हैं, इनका नाम है नईम सैयद। 13 तारीख के दिन रात को अजीम सैयद नाम का एक लड़का और फिरोज शेख नाम का एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल पे विरार से बैठकर निकले थे मालेगांव जाने के लिए। रास्ते में पड़घा के पास उनको एक व्यक्ति मिला मोटरसाइकिल वाला। मोटरसाइकिल वाले ने उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया। एक ने कहा मेरा नाम अजीम सैयद है, दूसरे ने अपना नाम बता दिया फिरोज शेख है। उस शख्स ने नाम पूछने के बाद अपने जेब से रिवॉल्वर निकाली, दोनों को जगह के ऊपर गोली मार दिया। अजीम सैयद की 3 दिन बाद मुंबई के सायन अस्पताल में डेथ हो गई। फिरोज शेख आज भी मुंबई के सायन अस्पताल के अंदर अपनी जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा है। अब इतना रेडिकलाइजेशन किसने कर दिया है? अब पता चला है हमको कि जिस व्यक्ति ने अजीम को और फिरोज को गोली मारी थी वो मुंबई पुलिस के सिक्योरिटी में काम करता है, मुंबई पुलिस का ऑफिसर है वो, उसका नाम है सूरज डोकरे। सूरज डोकरे पर एफआईआर हुआ है धारा 302 के तहत, वो कस्टडी में है फिलहाल। तो ये रेडिकलाइजेशन क्यों किया? खाली नाम पूछ के क्या आप गोली मार देंगे? और महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्या कर रहे हैं होम मिनिस्टर, क्या कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, क्या कर रहे हैं डीआईजी साहब? हमारा सवाल यही है ना कि आज इतनी नफरत अगर आपको मुसलमानों के प्रति फैल गई तो इसकी जवाबदार कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सरकार नफरत फैलाने में मानती है सिर्फ, इसको कोई आगे मदद भी करने को नहीं आ रहा है। अजीम सैयद जो है उसकी एक दो बच्चे, 3 साल का छोटा लड़का है और 10 महीने की छोटी बेटी है, उसकी बेवा विधवा घर में बैठ के रो रही है। ये इसके सगे भाई मेरे साथ यहां पे खड़े हैं। क्या क्या पुलिस ने, सरकार ने इनके लिए? हमारी मांग ये है कि अजीम सैयद जिसका कत्ल कर दिया थाने के अंदर पड़गा में मुंबई पुलिस द्वारा, ये अफसर सूरज डोकरे द्वारा, उस अजीम सैयद के परिवार को फौरन महाराष्ट्र की सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और अजीम के नजदीकी रिश्तेदार को गवर्नमेंट के अंदर जॉब दे। फिरोज शेख जो अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है जितने 10 दिनों से, सरकार को उसका पूरा इलाज करना चाहिए, पूरे उसके इलाज का खर्चा देना चाहिए और उसके घर वालों को भी कॉम्पेंसेशन दे। और सूरज डोकरे जिसने इस तरह की हरकत की, हम चाहेंगे कि सरकार उसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करे और उसको सख्त से सख्त सजा मिले कानूनी, ताकि आइंदा से इस तरह की कोई हरकत करने के पहले 50 मरतबा सोचे किस दिशा में हम लेके जा रहे। सिर्फ नाम पूछ के, मुसलमान नाम बता दिया आपने, उसको गोली मार दिया, वो भी पुलिसकर्मी, ये दूसरी मरतबा, पहले भी हमने देखा ट्रेन के अंदर गोली मार दी गई थी। तो हमारी सरकार से मांग है कि इनको फौरी तौर से कंपेंसेशन दिया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि आगे से कोई इस तरह की हरकत ना करें। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक, जो गुज़िश्ता 35 साल से अवाम की खिदमात में मसरूफ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।